5G इंडिया में आ चुका है और अभी बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि फोन को खरीद रहे हैं, लेकिन मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं कि 5G का अगर आप फोन खरीद रहे हो तो पहले ये वीडियो देख लो, नहीं तो आपके फोन के अंदर 5G नेटवर्क आएगा भी नहीं। इसलिए ये वीडियो, चूंकि ये नया टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे इसमें टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सब बताने वाला हूँ कि 5G इंडिया में क्या है और 5G के स्मार्टफोन अगर आप खरीदोगे इंडिया में तो आपको क्या चीज देखना है, नहीं तो हो जाएगा आपसे गलती और आपके पैसे भी हो जाएंगे बर्बाद। तो इस वीडियो के लास्ट तक देखो, आपको पूरी तरह से इंडिया में 5G कैसे है और किस तरह से आपको अगर फोन खरीदना है तो फोन को कैसे चुनना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वो यहाँ पे पहले आपको मैं बता दूं कि 5G का क्या बैंड है। बैंड को समझना बहुत आसान है, यहाँ पे डिफरेंट बैंड है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कैटेगरी ऑफ बैंड और आप समझिए इस चीज को कि इसका मतलब क्या है। ये जो भी कैटेगरी बनाया गया है इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पे आपको सीधा सीधी वीडियो में दिख रहा है कि यहाँ पे जो कैटेगरी है वो दो कैटेगरी में बांटा गया है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे सब कैटेगरी है जो 6 GHz का है और यहाँ पे 24 GHz से लेके 100 GHz तक दिया गया है। ये दूसरी कैटेगरी है जिसको बोलते हैं मिलीमीटर वेव। अब आपको ये ग्राफ में दिख रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वैसे वैसे क्या हो रहा है, स्पीड भी बहुत तेजी से बढ़ता है, लेकिन उसके उल्टा हो जाता है कि जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी घटती है तो उसके रेंज भी कम होने लगता है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे रेंज कम होता है। अब क्या यहाँ पे टेक्निकल चीज़ है, टेक्निकल चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको समझना है कि देखिए जो 5G का सिग्नल है वो सिग्नल अगर हाई फ्रिक्वेंसी है तो बहुत स्पीड मिलेगा, लेकिन वो सिग्नल बहुत दूर तक नहीं जाता है, वो नज़दीक में ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर फ्रिक्वेंसी उसका कम है तो वो सिग्नल बहुत दूर तक ट्रेवल कर लेता है, उसमें कोई ऑब्स्टेकल्स वगैरह दीवार या कहीं पेंट्रेशन सब कुछ वो पेंट्रेट करके भी चला जाता है। लेकिन अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है तो वो तो ज़्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं करेगा, वो पेंट्रेट नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए सिग्नल क्या होता है सिमट जाता है, बहुत नज़दीक कवरेज बहुत कम हो जाता है। अब चलिए आगे के तरफ और आपको बताते हैं और भी इंटरेस्टिंग बातें। यहाँ पे देखिए एवरेज जो स्पीड अभी टेस्टेड किया गया है, ये USA का रिपोर्ट है, 5G का ही हम आपको बता रहे हैं, अलग अलग बैंड पे क्या स्पीड मिला है। आप देखिए यहाँ पे जो 5G मिली वेव है, जो सबसे सुपर है, ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है, उसका जो मिला है वो आपके सामने दिख रहा है कि 640.5 Mbps में इसकी स्पीड मिली है। और आप देखिए कि 5G का ही सब वाला 6 GHz पे इसकी 63.9 Mbps की स्पीड मिलती है और 4G में कितना मिलता है, 31.4 Mbps की स्पीड मिलती है। ये टेस्टेड है, ये टेस्टेड स्पीड की हम बात कर रहे हैं। तो अब आगे चलते हैं और भी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं आपको। 5G का जो बैंड है इंडिया में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप अगर इंडिया में फ़ोन को ख़रीद रहे हैं तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि यहाँ पे आपको पता है कि इंडिया में जो ऑक्शन था बैंड स्पेक्ट्रम का वो बिक चुका है। कितना बिका, 72 GHz स्पेक्ट्रम सोल्ड हो गया और कौन खरीदा है, जो इंडिया के ऑपरेटर हैं। और यहाँ पे देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ पे आप समझिए यहाँ पे क्या है कि देखिए फ्रीक्वेंसी के साथ यहाँ पे अलग अलग आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे कितने बैंड किसको किसको कैसे अलॉट हुआ है, जो आपके सामने दिख रहा है। अब देखिए ये 3 बैंड में डिवाइड हुआ है, ये हुआ लो बैंड, इसको बोलते हैं लो बैंड, और ये लो बैंड जो है
ये देहात एरिया के लिए है जहाँ पे सिग्नल क्या होगा, दूर दूर तक चलेगा लेकिन बहुत अच्छा स्पीड नहीं मिलेगा। ये 5G का बैंड का एलोकेशन हुआ है जिसमें जियो एयरटेल ये लो बैंड में काम कर रहे हैं। देखिए लो बैंड का जो देहात एरिया के लिए है 700 मेगाहर्ज, 800 मेगाहर्ज और 900 मेगाहर्ज, ये तीन जो भी फ्रिक्वेंसी है ये देहात एरिया के लिए है। और इसमें बैंड आपको सामने दिख रहा है N28, N25 और N8। अब देखते हैं कि ये देखिए ये जो पांच बैंड हैं, ये पांच बैंड कौन कौन से 1800, 2100, 2500 और 3300 से लेकर के 2800 मेगाहर्ज और 3300 से लेकर 4200 मेगाहर्ज, यानी कि ये पांच जो बैंड हैं ये मीडियम बैंड हैं। वो लो बैंड थे, ये मीडियम बैंड है। और ये मीडियम बैंड कहाँ पे यूज होगा, ये मेट्रो सिटीज़ के लिए है, ये मेट्रो सिटीज़ में ही इस बैंड का इस्तेमाल होगा। और नीचे में एक बैंड जो बचा है, ये वाला बैंड ये है, आप देख लीजिए, ये तो कमर्शियल पर्पस के लिए है, यानी कि VIP जहाँ से कंपनी को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आने वाला है वहाँ पे ये दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बैंड का एलोकेशन हुआ है। तो अब आपको यहाँ पे समझना है कि अगर आप वैसा फ़ोन खरीदें जिस फ़ोन में आप पूरे इंडिया में घूमें, कहीं पे भी देहात में जाएं या मेट्रो सिटीज़ में रहें, आपके फ़ोन के अंदर 5G का नेटवर्क मिलना चाहिए। तो ये आठों बैंड जो हैं, लो बैंड और मीडियम बैंड, ये दोनों बैंड आपके फ़ोन के अंदर, ये दोनों बैंड जो हैं आपके फ़ोन के अंदर होने चाहिए, तभी आप अगर मेट्रो सिटी से देहात एरिया में जाएंगे तो भी आपको सिग्नल 5G का मिलता रहेगा। अगर इसमें से कोई भी आठ बैंड में से कोई भी मिसिंग होगा तो आपको नहीं मिलेगा फिर 5G का सिग्नल। और आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कौन सा ऑपरेटर किस बैंड को परचेज किया है, तो आप जिसका भी सिम यूज कर रहे हैं तो आपको फ़ोन खरीदना है और जहाँ पे भी आपको यूज करना है तो ये आठों बैंड होने ही चाहिए, क्योंकि इंडिया में ऐसे फ़ोन बेचे जा रहे हैं जो 5G के नाम पे हैं लेकिन ये बैंड उस फ़ोन में है ही नहीं। तो ये बताओ कि कैसे आपके फ़ोन में 5G का नेटवर्क आएगा। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सबसे नीचे जो आपको बैंड दिख रहा है N258, इसका तो अभी तक इंडिया में फोन ही नहीं है, कोई भी फोन इंडिया में इस बैंड पे है ही नहीं। इसलिए आप जब भी फोन खरीदो तो आपको ये सारे बैंड देखने पड़ेंगे, नहीं तो आपके फोन में 5G चलने वाला नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे के तरफ और भी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं आपको। देखिए 5G स्मार्टफोन है और 5G में कुछ फ़ोन ऐसे इंडिया में हैं जो आठों बैंड है, लेकिन कुछ फ़ोन ऐसे हैं जिनमें ये बैंड मिसिंग है। आप देखिए 2 से 3 बैंड किसी में मिसिंग है, जो येलो कलर में दिख रहा है, ग्रीन वाले में सारे बैंड हैं, यानी कि ये फ़ोन तो भैया ठीक है, ये तो कहीं भी चलेगा, इंडिया के किसी कोने में जाओगे और 5G का मज़ा लोगे आप। लेकिन जिनके पास येलो वाला ख़रीद लेंगे उनमें 2-3 बैंड तो ऐसे ही गायब है, तो वहाँ सिग्नल मिलने का नहीं है। और यहाँ पे देखिए आप मेजोरिटी ऑफ बैंड क्या है, गायब है। तो ऐसे भी फ़ोन इंडिया में 5G के नाम पे बिक रहे हैं और बेचे गए हैं। तो इसलिए आपके फ़ोन के अंदर ये आठों बैंड होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको कहीं पे भी इंडिया में जाएंगे तो आपको सिग्नल मिलता रहेगा। अब आप मुझसे पूछोगे कि ये बैंड हम कैसे देखेंगे, तो चलो इसको भी मैं बता देता हूँ। अब भाई आपको करना क्या है, जिस भी कंपनी का आप खरीदोगे फ़ोन, जैसे मैंने ये वेबसाइट खोला है, ये ओप्पो के लिए है, तो आपको उस कंपनी का वेबसाइट खोलना है। ये 5G फ़ोन है, मैं आपको नीचे में करके दिखाता हूँ। और आपको जाना है स्पेसिफिकेशन में, आपके सामने दिख रहा होगा, तो इस तरह से आपको स्पेसिफिकेशन में उसके जाने हैं और जाने के बाद
वहीं पे आपको सारी चीज़ मिलेगी कि कितना बैंड है इसके अंदर, 5G को कितना बैंड दिया गया है। और जो मैंने वीडियो में बताया वो बैंड तो होनी चाहिए भाई। देखो यहाँ पे आपके सामने बैंड दिखाई देंगे, यहाँ पे ये फ्रिक्वेंसी और बैंड, देखो आप यहाँ पे देख लो, ये देखो 5G के लिए N1 बैंड, N8 बैंड, N2 8A बैंड है। इस तरह से आपको 77 वाला बैंड इसमें है, 78 वाला N बैंड है। तो आप जो भी फ़ोन खरीदोगे उसके वेबसाइट पे जाओ और उसके स्पेसिफिकेशन में भी चेक कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां अपने डब्बे के ऊपर भी लिख रही हैं। तो आपको फ़ोन खरीदते समय ये ध्यान रखना है कि कौन सा बैंड हमारे फ़ोन के अंदर है। अगर आपके फ़ोन के अंदर 8 बैंड हैं तब तो आपका फ़ोन ठीक है, वरना अगर इस बैंड में से मिसिंग है तो फिर आपको 5G का सिग्नल मिलने वाला नहीं है। तो अब लास्ट में मेरी यही एडवाइस है कि आप तो पहले 5G के लिए अभी फ़ोन खरीदो ही नहीं, अगर आप खरीद भी रहे हो तो ये आप ज़रूर चेक करो कि आपके फ़ोन के अंदर 8 बैंड होने चाहिए, जो मैंने बताया लो बैंड और मीडियम बैंड, ये बैंड होने चाहिए तभी आप 5G का फ़ोन खरीदें। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर इस वीडियो में आपको ज़रा भी नॉलेज मिला है और कुछ नया सीखने को मिला है, जानकारी मिला है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि 5G एक नया टेक्नोलॉजी है और लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है। 5G के नाम पे बहुत सारे फ़ोन बिक रहे हैं लेकिन वो सपोर्ट आपको मैंने जैसे दिखाया करेंगे नहीं करेंगे, इसलिए सभी को बताओ और सभी को शेयर करो कि सब लोग को ये मालूम हो और उनका पैसा बर्बाद होने से बच जाए। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, सवाल है 5G 4G कोई भी, तो आप अपने सवाल को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत कर लो, इसलिए कि अगर आपके फ़ोन के अंदर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आएगा तो उसका सॉल्यूशन हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो अब हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना।